बसमिल रहीम असलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़ ट्रांसलेशन एंड कल्चर इश्यूज जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं सो उसमें ऑब्वियसली कल्चर इश्यूज ज़रूर आते हैं आज का हमारा यही टॉपिक है सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टड ट्रांसलेशन एंड कल्चर इशूज़ ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन और स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इन टू अनादर लैंग्वेज ये एक प्रॉपर डेफिनीशन है ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कोई रिटन हो या स्पोकन टेक्स्ट हो उसको कन्वर्ट करते हो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन हावे ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस एज लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर कहते हैं कि ट्रांसलेशन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं होता मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि लैंग्वेज का तो हमें पता है ये कम्युनिकेशन के लिए होता है लाइक like, कोई भी लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं लेकिन जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं सोवियसली तो उसमें एक कल्चर इशू ज़रूर आता है देरपुर कल्चर इशूज़ अराइज़ इन ट्रांसलेशन इसीलिए कल्चर इशू जो है अराइज़ होता है ट्रांसलेशन में विच कैन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसलेशन इससे क्या होगा कि जो ट्रांसलेशन की क्वालिटी है वो ज़रूर इफेक्ट होती है इसको हम नेक्स्ट लाइड में देखेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मीन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर ये अगेन प्रॉपर डिफिनीशन है ट्रांसलेशन की इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वाल्स नॉट ओनली ऑनली लैंग्विस्टिक बट आल्सो कल्चरल इशूज़ अब इसमें क्या होता है कि इसमें लैंग्वस्टिक इशूज़ भी आ जाते हैं और ये जो होते हैं ना कल्चर इशूज़ ये भी आते हैं कल्चरल ईशूज़ कैन पोज चैलेंज़ फॉर ट्रांसलेटर्स और ये ट्रांसलेटर के लिए एक चैलेंजेस होते हैं ठीक है कल्चर इशूज़ जो होते हैं ना ट्रांसलेटर के लिए चैलेंजेस होते हैं क्योंकि उसको उस कल्चर का नहीं पता होता एज दे मे नीड टू ट्रांसलेट ईडियम मेटाफर्ज एंडर कल्चरली स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दैर डोंट हैव एग्जैक्ट एक्वेलियंस इन द टारगेट लैंग्वेज अब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे ईडीएम्स हो गए मेटापर्स हो गए ये चीज़ें जो है ट्रांसलेट नहीं होती तो ये ट्रांसलेटर के लिए एक चैलेंज होता है कि उस चीज़ को किस तरह उसने लाइक उस चीज़ की सेंस पकड़नी और किस तरह उसको फॉरवर्ड करना है मतलब उस मैसेज को किस तरह फॉरवर्ड करना है या किस तरह ट्रांसलेट करना है एडोमेटिक एक्सप्रेशन अब ये इसके एग्जाम्पल्स हैं इसको समझते हैं एवरी लैंग्वेज हेज़ इट्स ओन एडिमेटिक एक्सप्रेशन देखो हर लैंग्वेज में ईडियम्स होते हैं ठीक है हर लैंग्वेज में क्या होते हैं ईडियम्स होते हैं एडोमेटिक मतलब ईडियम्स विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड लिटरली अब इनको ट्रांसलेट करना लिटरली ये बिल्कुल नहीं हो सकता जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है द इंग्लिश ईडियम इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग कैट्स एंड डॉग्स के मतलब बारिश हो रही है कैट्स एंड डॉग्स में मुसलसल मीन इट इज रेनिंग हैवीली मतलब तेज़ी से बारिश हो रही है यहाँ फास्ट बारिश हो रही है और हीविली बारिश हो रही है सो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है मुसलसल तेज़ लगातार इसको क्या कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स अब कैट्स एंड डॉग्स क्या है ये एक ई है बट दिस एक्सप्रेशन डज नॉट मेक सेंस वन ट्रांसलेटर वन ट्रांसलेटेड इन टू अनदर लैंग्वेज अब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता जब आप इसको इसी सेम ई uh, को जो है किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे सो so, आपको तो पता नहीं होगा आप अगर ये वर्ड आपके सामने कोई दूसरा बंदा यूज़ करे जैसे वो कहे कि भाई द आउटसाइड द रेन इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग तो आप हैरान होंगे कि कैट्स एंड डॉग क्या मतलब तो इट मीन्स ये एक ईडियम होता है और इसको आप जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकते ये एडोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं इसको आपने सिंपल वर्ड से समझना होता है जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया कि कैट्स एंड डॉग का क्या मतलब है हैवीली मीन्स कंसेक्टिवली कंटिन्यूसली Um, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं इडियम्स एंड आर दैट फिगरेटिव मीनिंग और इनका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है दैट इज़ नॉट इमीडिएटली अपेरेंट फ्राम वर्ड्स यूज ट्रांसलेटिंग इडियम्स कैन भी चैलेंजिंग ये एक चैलेंजिंग होता है मीन ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है एज दे ओपन डोंट हैव डायरेक्ट इक्विलियंस इन द टारगेट लैंग्वेज क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता किसी टारगेट लैंग्वेज में कल्चरल डिफ्रेंसिज ये दूसरी एग्जाम्पल है सर्टन वर्ड्स एंड प्रेजेज हैव स्पेसिफ़िक कल्चरल रेफरेंसेज दैट मे नॉट एग्जिस्ट इन अदर कल्चर्स अच्छा कुछ ऐसे अलफाज होंगे जो दूसरे कल्चर में एक्जस्ट ही नहीं करते होंगे अब सपोज़ यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए फॉर इंस्टेंस द वर्ड फ़ुटबॉल फ़ुटबॉल इन द यूनाइटेड स्टेट रेफर्स टू अर डिफरेंट स्पोर्ट्स दैन द यूनाइट किंगडम अब ये जो फ़ुटबॉल वर्ड है कहते हैं कि यूनाइट स्टेट में ये डिफरेंट स्पोर्ट्स को रेफर करते हैं हमारे माइंड में तो ये होगा कि जब फ़ुटबॉल वर्ड यूज़ होगा तो इट मीनस एक बॉल है जिसको हमने किक करनी होती है और ग्राउंड में अलेवन मीन वन अपोजिट साइड भी अलेवन प्लेयर्स होंगे और ये दूसरे साइड भी अलेवन uh, प्लेयर्स होंगे हमारे माइंड में यही होता है कि फ़ुटबॉल उस गेम को कहते हैं लेकिन यूनाइटेड स्टेट में कहते हैं कि रेफ़र करता है हर गेम को हर स्पोर्ट को जो है फ़ुटबॉल रेफ़र किया जाता है लेकिन यूनाइटेड किंगडम में क्या है फ़ुटबॉल सिर्फ जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी के अलेवन अलेवन प्लेयर्स एक एक साइड होंगे और फुटबॉल वगैरह खेलेंगे सो so इट मीनस फ़ुटबॉल वहाँ पर एक गेम को कंसिडर किया जाता है लेकिन यूनाइटेड स्टेट में जो है uh, ये पूरे स्पोर्ट्स को रेफर करता है सो so, अब एक ट्रांसलेटर के लिए चैलेंजिंग होता है कल्चरल रेफरेंसेस होता है मींस आपने उनके कल्चर को भी समझना होता है कि एक ट्रांसलेटर किस तरह उसके कल्चर को समझेगा वो इस तरह के अब जो वर्ड फुटबॉल है सो ओबियसली लाइक आई सेड के यूनाइटेड किंगडम में इसका मतलब डिफरेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स में इसका मतलब डिफरेंट है कल्चरल इतने आर एलमेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कल्चर और ये खास कल्चर के लिए कोई भी वर्ड होता है कोई भी एडियम होता है सच एज हॉलीडेज़ फ़ूड्स और हिस्टोरिकल इवेंट जैसे यहाँ पे फिर इन्होंने मैंशन किया ट्रांसलेटर्स मे नीड टू प्रोवाइड एक्सप्लैनशन कहते हैं कि कल्चरल इशूज़ इतने इंपॉर्टेंट हैं जिस तरह हॉलीडेज़ फ़ूड्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स किसी भी चीज़ किसी भी बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसलेटर्स मे नीड टू प्रोवाइड एक्सप्लेशंस और फाइंड एक्विलियंस इन द टारगेट लैंग्वेज टू इंश्योर दैट द मीनिंग इज कन्वेड एक्ोरेटली और अपने दूसरों को ये लाइक सेटिसफेक्शन देनी होगी कि जो मैं चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ या जो मैं सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रहा हूँ दैट इज़ एक्यूरेटली मींस आपके कल्चर के अकॉर्डिंग है टैबो वर्ड्स ये थर्ड एग्जांपल है वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट आर कंसिडर्ड ऑफेंसिव और इन अप्रोप्रिएट इन वन कल्चर में नॉट बीडर द सेम इन कल्चर कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो आपके कल्चर में सही कंसीडर किए जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होंगे वही अल्फाज जो दूसरे कल्चर में गलत कंसीडर किए लाइक लोग करते होंगे जैसे देर फोर ट्रांसलेटर मस्ट बी केयरफुल वाई ट्रांसलेटिंग दीज वर्ड्स कहते हैं कि ट्रांसलेटर को जो है केयरफुल होना चाहिए जब ऐसे वर्ड्स वो ट्रांसलेट करना चाहे मतलब बात वही पर आ जाती है ना कि आपने उनके कल्चर को समझना है कि उनके कल्चर में इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है taboo and sensitive topics different cultures may have different taboos and sensitivities around certain topics such as religion sexuality or politics translators need to be aware to these issues and make sure that their translations are uh, culturally appropriate a translator could that they translate karnaun according means culture ke, hai. Means, unke culture ke uh, like that will be that is appropriate to their culture टोन एंड स्टाइल ये फोर्थ एग्जाम्पल है टोन एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग कैन वेरी अक्रॉस लैंग्वेज ये वेरी है वेरी मीन्स मख्तलिफ एक वी ई आर वाई वेरी मीन्स बहुत एक डब्ल्यू वी ए आर वाई है इसका मतलब क्या है मुख्तलिफ एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग कैन वेरी अक्रॉस लैंग्वेज एंड कल्चर इसी तरह जो टोन एंड स्टाइल है वो भी मुख्तलिफ होते हैं किसी भी लैंग्वेज के किसी भी कल्चर्स में फॉर एग्जाम्पल अ फॉर्मल टोन इन वन लैंग्वेज में बी परसीव द सेम इन अदर लैंग्वेज कि एक फॉर्मल टोन है उसको प्रसिव किया जाए किसी एक लैंग्वेज में लेकिन दूसरे लैंग्वेज में उसको जो है उस तरह कंसिडर नहीं किया जाता द टोन एंड स्टाइल ऑफ़ अ टेक्स कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द कल्चर एंड लैंग्वेज अगेन कल्चर की बात आ गई कि ट्रांसलेटर्स नीड टू बी एबल टू कैप्चर द टोन एंड स्टाइल ऑफ़ द ओरिजिनल टेक्स इन द ट्रांसलेशन टू इंश्योर दट द मीनिंग इज कन्वेड एक्यूरेटली और टोन एंड स्टाइल कहते हैं कि ट्रांसलेटर के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को सीधे से पिकअप करे और आगे जो है फॉरवर्ड करे और ये यकीन दिहानी कराए उस बंदे को उस उन लोगों को जिनके लिए ट्रांसलेट कर रहा है कि ये आपके कल्चर के अकॉर्डिंग है ये जो मैं कन्वे कर रहा हूँ ये हंड्रेड परसेंट एकोरेट है हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल रेफरेंसिज़ज़ज़ज़ज़ ये फिफ्थ एग्जाम्पल है ट्रांसलेटर्स ओपन इन्वॉल्व हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल रेफरेंस हैव अ डिफरेंट मीनिंग और सिग्निफिकेंट इन अदर कल्चर कहते जो ट्रांसलेटर है उसको क्या करना चाहिए उसको हिस्टोरिकल और पोलिटिकल रेफरेंसिस का भी यूज़ करना चाहिए उसको भी समझना चाहिए कि कोई भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने से पहले ह्यूमर एंड साक्सिजम साकििज़मर ह्यूमर एंड साकिजम आर ओपन कल्चर स्पेसिफिक एंड कैन भी डिफ डिफिकल्टू ट्रांसलेट ट्रांसलेटर्स मे नी टू अडाप्ट ह्यूमर टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल इन द टारगेट लैंग्वेज फाइन अल्टरनेटिव वेज टू कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमर एंड साकज़म क्योंकि कि किसी भी लैंग्वेज में लाइक यगेन उसी चीज़ की बात आ जाती है कि आपने कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो किसी वर्ड लैंग्वेज में या किसी Uh, दूसरे कम्युनिटी में अच्छे कंसिडर किए जाएंगे लेकिन दूसरे इससे जो तीसरी कम्युनिटी होगी उसमें जो है उन वर्ड्स को जो है गलत लाइक कंसीडर किया जाता है सो बात वही पे आ जाती है कि आपने उनके कल्चर को समझना होगा कंटेक्सट ट्रांसलेटर्स मस्ट कंसिडर कंटेक्सट इन विच द टेक्सट इज़ रिटन और कहते हैं कि ट्रांसलेटर को उस कंटेक्स को भी समझना चाहिए जिसमें वो टेक्स्ट लिखा गया हो टू इंश्योर दैट द ट्रांसलेशन कन्वेज़ द इंटेंडेड मीनिंग कि वो एक इंटेंडेड मीनिंग कन्वे करता है जो टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा फॉर एक्जाम्पल अ टेक्सट रिटर्न फॉर अ मेडिकल ऑडियंस विल हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड टोन देन अ टेक्स रिटर्न फॉर अ जनरल ऑडियंस कहते हैं कि एक टेक्स्ट है उसका जो है लाइक जो इफेक्ट होगा या जो लिखा गया होगा वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलग हो गया उसका मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगा टर्मिनोलॉजी सो so द सेम वो जो है किसी जनरल ऑडियंस के लिए डिफरेंट होगा इन समरी अब ये लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक uh, का ट्रांसलेशन इज़ नॉट ओनली अ लैंग्वस्टिक प्रोसेस बट आल्सो अ कल्चर वन कहते हैं कि ये एक लैंग्वस्टिक प्रोसेस नहीं होता बल्कि ये कल्चर प्रोसेस भी होता अब linguistic process है अब लैंग्वस्टिक प्रोसेस से मुराद ये कि आप मतलब ये ज़रूरी है कि आपने चीज़ों को समझना मतलब समझ लिए जैसे टोन हो गया उसी लाइक uh, सेंटेंसेस हो गए वर्ड्स हो गए ये चीज़ें नहीं बल्कि आपने उनके कल्चर को भी समझना है अब वर्ड्स तो आप समझ गए हो कि भाई इस वर्ड को ही ट्रांसलेट अगर करना हो तो इसका ये मतलब होगा लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो वर्ड को उनके कल्चर में किस तरह कंसिडर किया जाता है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसी भी ट्रांसलेटर के लिए ट्रांसलेटर नीड टू बी अवेयर ऑफ कल्चरल issues एंड बी एबल टू नेविगेट them इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस accurate एंड इफेक्टिव translations कहते हैं कि उसको अपने आप को अवेयर करना चाहिए उनके कल्चर से और फिर उसको ट्रांसलेट करना चाहिए एक्योरेटली और साथ में जो है इफेक्टिव ट्रांसलेशन होनी चाहिए इन कंकलूजन ट्रांसलेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली लैंग्विस्टिक प्रोफेशनसी बट आल्सो कल्चरल ये सेम यही पॉइंट रिपीट हुई है कि सिर्फ लैंग्विस्टिक uh, प्रोफेशनसी मतलब लैंग्विस्टिक की काबिलियत नहीं चाहिए होती बल्कि आपको जो है कल्चरल सेंसिटिविटी भी चाहिए कल्चरल नॉलेज uh, भी चाहिए होती है ट्रांसलेटर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द कल्चर नॉन्स ऑफ बोथ द सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसलेटर को टारगेट लैंग्वेज मतलब अपने कल्चर का तो उसे पता होगा लेकिन फिर भी कहते हैं प्रॉपर पता होना चाहिए एक एक चीज़ का पता होना चाहिए इसी तरह जो लैंग्वेज में जिसने जब वो ट्रांसलेट करेगा उस कल्चर का भी इसे पता होना चाहिए उनके लोगों के कल्चर का भी उनको पता होना चाहिए टू इंश्योर द ट्रांसलेटर इफेक्ट्स द ट्रेंडेड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रांसलेटिंग ईडियम्स एंड मेटापर्स सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक फिर सर